आज हम आपको बताएंगे एक बिल्कुल नए डिज़ाइन की मोरी के बारे में। इसमें कैसे बनती है और क्या साइज का इसमें रस्सा होता है। ये 16 तार यानी 8 mm की रस्सी है और इसकी लंबाई 20 फुट है। जो ये रस्सी हमने ली है, इसके पहले हम इसके दोनों सिरे मिलाते हैं ऐसे, और ये गांठ लगा देंगे। ये गांठ लगी। अब इसका बनाने का तरीका ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान है और तकनीक नहीं है। इस तरह से हमने लेनी है ये करीब करीब 2 फुट से 2-3 इंच ज़्यादा इस तरह रखो, और 1 फुट जो नाक के ऊपर आएगी, कम से कम फैसला इसका 1 फुट का हो। अब इस रस्सी को इस तरह से घुमाओ, जितनी लंबी ये गई है इतनी लंबी ये, ऐसे। और जो ये बच गई हमारी रस्सी, इसको हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ये मोरी बनाएंगे हम। इसकी यहाँ से करेंगे तो ये 2 फुट से 2-3 इंच ज़्यादा है और ये 2 फुट से 2-3 इंच कम है। इसी तरह से ये दोनों सेम आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसके एक साइड की पहले गांठ लगाएंगे। जिस तरह ये गांठ वाली रस्सी है, इसको उठाएंगे और यहाँ हाथ लगाना, ऐसे आ जाएगी। देखो दोबारा से, इस साइड वाली रस्सी को यहाँ 2 अंगुली रखो अपनी, और ये ऐसे इन दोनों के ऊपर से आ जाएगी। और अब हमने इस वाली और इस वाली के बीच से इस रस्सी को निकाल लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, इस तरह से इसके ऊपर से उछल देंगे ये। जो ये होल बच गया हमारा यहाँ से, ये वाली इसके ऊपर से आएगी और यहाँ से निकाल देंगे। ये गांठ लग के पहले वाली हमारी तैयार हो गई। और जो ये वाली है, इसको हम वापसी इसी साइड लेके आते हैं ताकि ये होल वाला हिस्सा ऊपर की साइड आ जाए। ये अब इस साइड वाली ये गांठ वाली, ताकि निकालने में जो अंदर से हम निकालते हैं ना इसके, दिक्कत ना हो, ताकि प्लेन वाली आराम से निकल जाए, इस करके हम इस साइड वाली को यहाँ उंगली रखो और इन दोनों के ऊपर से हमने क्रॉस करना है इस तरह से, ऐसे। उसके बाद हम इस साइड वाली ले सकते हैं, इस साइड वाली ले सकते हैं, कोई सी एक रस्सी इन दोनों के, इस साइड वाली के और इसके
यहाँ बीच से गुजारनी है, इनके ऊपर से ऐसे आ जाएगी इस तरह से। और इसके अंदर फिर ये होल बच गया, ये वाला। इस होल से हमने ये वाली रस्सी ऐसे निकाल देनी है इस तरह से। ये हमारी गांठे लग के तैयार हो गई। ये ऊपर के जो बंधने वाले होते हैं ये है, और ये आएंगे घूमकर ऐसे, ये वाला ऐसे, जो कि हमने इसका यहाँ यहाँ जिस जगह लगानी है तो इसका हम सेंटर लेंगे इसको मोड़ के। ये आधा हिस्सा होगा इसका, इस जगह हमने इसको यहाँ रखना है इस तरह से। इसी तरह ये वाली, इसको भी हम ये देख लेंगे इसका आधा हिस्सा कहाँ होता है, जैसे यहाँ है, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो ये तो कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं हुआ, इसके बारे में आपको समझ नहीं आएगी। ये बताता हूँ मैं ये क्यों रखे हैं। यहाँ हमने बावरकली डालनी है, ये वाली भी और ये वाली भी, बावरकली दो नहीं होंगी एक ही होगी। पहले एक साइड वाले में डालेंगे, जैसे ये रस्सा ले रखा है हमने, इसके अंदर पहले से बावरकली डाल रखी है, ये अब हमने इसको पहले इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ डालना है ऐसे, ये डल गई। और ये ऊपर के बजाय हम इसको नीचे से लेंगे, जो आपने नए लिया था इसका नीचे से, और इसको उठाकर ऊपर ये वाली रस्सी यहाँ से निकाल लेंगे हम इस तरह से, ये निकाल ली, और ये वापसी यहाँ से गुजारेंगे ऐसे। ये एक साइड की तैयार हो गई। अब हम इसको घुमा लेते हैं और इसको ऐसे पलट देंगे, अब इसके अंदर और डालनी है। इसको हम इस साइड से ले आते हैं, ये वाली निकली है, इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ ले आएंगे। जो इसका बीच लेयर था, सेंटर जो बनाया था हमने, इसी तरह ये इसको उठा के ऊपर को, ये वाली नीचे से ऐसे, और ये वाली हम इसको ये उठा के यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे और इस होल के अंदर से इसको गुजारेंगे। ये हमारी मोरी बनके तैयार हो गई, कंप्लीट मोरी तैयार हो गई है। आपको दिखने में थोड़ी अटपटी लग रही है,
इसको मैं दिखाता हूँ कैसे बंधेगी। ये सामने वाला हिस्सा जिसके अंदर पशु का मुखड़ा आएगा वो है, और ये वाले इसके साइड वाले कंडे होते हैं ये ऐसे, जो कि ये यहाँ डल जाएगी, पशु बन जाएगा ऐसे, इस तरह से। ये कम या ज़्यादा भी होती रहेगी, जैसे पशु निकलवाने की कोशिश करता है तो वो पीछे हटेगा, जिससे उसका मुंह का साइज और छोटा हो जाएगा, और आगे चलने के लिए जाता है तब उसको इस तरह जाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा मुंह का उसका साइज खुल जाएगा, ताकि किसी तरह पशु जुगाड़ सकता है, चारा चर सकता है, घास खा सकता है। लेकिन निकलने के लिए उसको पीछे हटना पड़ेगा, पीछे हटेगा तो ये साइज इसका घट जाएगा, कम हो जाएगा, और निकलने भी नहीं देगी जो पीछे सपोर्ट होगी। ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं लगता, एक बार देखने की समझने की ज़रूरत है। अगर ना समझ आए तो हमारे को कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको दोबारा से फिर बना के दिखा दें। ये